मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हैं फिनोमिनल आरजे रसल चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रिलीज के बारे में। WWE पागल हो चुकी है क्योंकि WWE ने निकाल दिया नाया जैक्स को, ईवा मरी को, बल्कि कीथ ली और कैरियन क्रॉस को भी, मतलब कि उनको रिलीज़ कर दिया। ये मेरे लिए तीन नाम बहुत ही शॉकिंग थे, नाया जैक और कीथ ली और कैरियन क्रॉस। अभी तो वो NXT चैम्पियनशिप आ रहे थे यार, अभी तो वो NXT में बड़े चैम्पियन थे, NXT चैम्पियन थे तभी भी। और कीथ ली अब NXT और यूनाइट नॉर्थ अमेरिकन चैम्पियन रह चुके हैं और वो रिलीज़ कर दिए गए। अरे यार, ये WWE पागल होते जा रही है क्या? मतलब कि तुम्हारे एसेड ही तुम बेच रहे हो, मतलब कि तुम उसको ही रिलीज़ कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा प्रोग्राम कैसा चलेगा? मतलब कि तुम्हारी कंपनी कैसी चलेंगी? मतलब कि तुम्हारी फ्यूचर स्टार ही तुम रिलीज़ कर रहे हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि WWE आप पूरी तरीके से ख़तरे में है और WWE मुझे लग रहा है बहुत जल्द बंद होने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि ये बजट कट के हिसाब से थे और इसका रीज़न था कि COVID-19 की वैक्सीन, मतलब कि कोरोना वैक्सीन इन सुपरस्टार ने नहीं ली थी, इसलिए उनको रिलीज़ कर दिया गया, ऐसा रिपोर्ट्स बता रही है। लेकिन क्या सच्चाई है कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे लिए ये शॉकिंग नेम थे कीथ ली और कैरन क्रॉस और नाया जैक, क्योंकि ये बड़े बड़े नाम थे, NXT चैम्पियन रह चुके हैं, ये वीमेंस चैम्पियन रह चुके हैं नाया जैक, और उनके साथ ऐसा अगर बोला तो कोई भी सेफ नहीं है WWE में। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या कीथ ली को निकालना चाहिए था, क्या कैरन क्रॉस को निकालना चाहिए था, क्या नाया जैक को निकालना चाहिए था? कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।